Hi, I'm Salman Pirzada. If you like this video, please don't forget to share and like. Subscribe to Rewind with Samina Pirzada. आज के मेहमान हैं सलमान पीरजादा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत अमेजिंग ज़िंदगी जी है, खूब ट्रैवल किया है, बहुत सारा काम किया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में भी काम किया है। मेरा डेब्यू एज अ थिएटर एक्टर उन्हीं के साथ हुआ था। आज उनसे मिलेंगे और उन्हें जानेंगे और पहचानेंगे भी, वो सारी बातें सुनूंगी जो मैं शायद खुद भी नहीं जानती। तो आइए मिलते हैं सलमान पीरजादा से। थैंक यू सो मच सलमान फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू, या फॉर माय प्लेजर। आप अपनी हाइबरनेशन में से निकल कर अच्छा, हम अपने शो पे रिवाइंड करते हैं और पीछे लेके जाते हैं अपने दोस्तों को। तो शुरू करते हैं कि पैदा कहाँ हुए, लाहौर में या दिल्ली में? लाहौर। लाहौर में, यस। ओके, ये इधर हॉस्पिटल जो कौन सा है, जानकी देवी? अच्छा, जानकी देवी में? हाँ, जानकी देवी। ओह, मैं भी वहीं पैदा हुई। रियली? हाँ, आई डिडंट नो दैट। ओके, ओके, सी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट नो अबाउट यू। ओके, व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी? यू नो माय मेमोरी समीना इज फॉर्चुनेटली रियली वेरी गुड। आई रिमेम्बर थिंग्स व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ओल्ड। नो रियली, बिकॉज़ व्हाट हैपेंड वाज मेरा एक बहुत ही बचपन का फ्रेंड है, बट ही डजंट वर्क इन पाकिस्तान, ही वर्क्स इन इंग्लैंड, ही इज अ रिसर्च डॉक्टर। एंड वो जेनेटिक्स में काम कर रहा था, मैं उसको विजिट करने जाता था, क्योंकि दीज रिसर्च हॉस्पिटल्स इन इंग्लैंड वेरी नाइस प्लेसेस, देर आउटसाइड इन द कंट्री बिकॉज देर नॉट रेगुलर हॉस्पिटल्स। एंड वहाँ पे वो वीकेंड पे एक मेडिसिन ले जाके मुझे टेपे से पे मशीनें लगा के बिठा दी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहते यार, बिकॉज यू नो वी वर फ्रेंड्स, ही न्यू दिस सर, सो आई कैन एक्चुअली ड्रीम व्हाइल आई एम अवेक। अब मुझे पता नहीं होता था, मुझे ख्वाब हमेशा आते थे, तो व्हेन आई वुड आस्क समबडी के व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम, वो लोग कहते थे कि हमें ड्रीम याद ही नहीं रहती। सो दैट आई फाउंड वेरी ऑड ऑलवेज, के पीपल डोंट रिमेंबर देयर ड्रीम्स। And so I can dream at pretty much at will because they could actually see it in the tests. If I'm sitting here, for instance, 10-15 minute mein totally relax ho jaun, to at will, jis tarah aap DVD laga denge na dekhne ke liye, wo dream shuru ho jayegi. And wo ab ability kafi badh gayi, mujhe cheezein badi yaad hain. Ammi se maine ek dafa pucha, Delhi ke andar, dad bought a dog for me. उसका नाम मुझे याद है, उसका नाम था डिकी। और क्या उम्र थी? मेरी कोई, मेरा ख्याल है अम्मी बताती थी कि 8-9 महीने की उम्र थी। यू रिमेंबर द नेम? आई रिमेंबर द नेम। हुआ ये था कि मैं अम्मी से पूछ रहा था, मुझे ख्याल आ रहा था, आई रिमेंबर्ड वन टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो वो देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद डिकी, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी एंड द डॉग डाइड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। Or so it was a death, it's death, losing that dog actually. Yeah. Triggered that memory. Yeah. वो जो मेरा बिल्ला मरा है ना, मसल का वो रन ओवर हुआ है सारा किटन, तो वो बड़ा शॉक हुआ था। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट डैट, वो करते कराते तो वो डिक्की के ऊपर में याद आ गया कि डिक्की हैड डाइड एंड वो उसके कोई वूंड हो गया था और उसको दवाई लगाई हुई थी, उसको दिल्ली में सहन के अंदर वो उसको उससे बांधा हुआ था, यानी वो हाउलिंग ऑल नाइट। तो आई आस्क्ड अम्मी, मैंने कहा कि डिक्की को क्या हुआ था सारी रात जो शोर मचा रहा था उसे? तो अम्मी सेड कि तुम्हें तो ये याद नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने तो मुझे नहीं बताया, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा था? तो यू नो शी टोल्ड मी के उसको तकलीफ थी एंड शोर शोर सेट। सो एक्चुअली ट्रॉमा जो है वो छोड़ता है वो एक इम्प्रिंट, यू नो। So you, and, as a baby, you went through that trauma. Yes. So वो जो memory है वो अच्छी है. I mean, like in that sense, I remember things. I remember the क्या उसको कहते हैं आप
ये 1947 में जब शाह आलमी में आग लगी है, आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि आग लगने से पहले आई रिमेंबर के वो जो पुराने घर थे जहाँ पे हम रहते थे, वो फैमिली के दो तीन इकट्ठे थे ना, इन्हें रो दादी का था, चाचे का, और फिर पुपी और हाँ, और हमारा और एक दो फ्रेंड्स थे. एंड यू नो द एनवायरनमेंट वाज वेरी डिफरेंट इन दिस सिटी. इट वाज लाइक तो दरख्त बहुत सारे थे बिकॉज स्पेस घरों में बड़ी थी, एंड दे वर लॉट ऑफ ट्रीज. एंड उस दिन क्या हुआ है, काली आंधी आई. वो मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना था, नो काली आंधी दोपहर को आई है, और क्या उसको कहते हैं कि लाइक यू नो एवरीथिंग वेंट डार्क लाइक नाइट. एंड इट वाज हमारा मैंगो का ट्री था एक पीछे, आई मीन वाज रियली बिग ट्री, नॉट अ स्मॉल मैंगो ट्री. वो दरख्त जड़ों से बाहर निकल गई, एंड देन वो जब सबसाइड होने लगी है तो देर वॉज अ बबलिंग रेड ग्लो ऑन द होराइजन. That was Shah Alami burning. And gradually, very quickly thereafter, वो जो red glow था ना, वो सुनिए सारा sky cover हो गया red glow से. The whole sky was smoky. Yes, because the whole was burning. The glow and it was like this. It was a very weird image. I've never forgotten that. वो दो तीन दफा life में मुझे repeat हुई है as a scary dream. I normally don't get scary dreams. And so that I remember that very clearly. Or then I saw dead bodies for the first time. We were taken to Babaji's house, which was on Queen's Road. And Queen's Road se piche tha, jahan pe Firoz Sons ki building hai na, Mall Road pe, wo Victoria Park. So he used to live in Victoria Park. Piche wo sadak jaake aise karke, Granny and Babaji. And Ammi used to have a 303 rifle. She was trained marksman. She had actually won the championship bullseye ke upar. So ye wo rifle leke baithi hoti thi khidki ke andar. Weapons ghar mein the dadi ki wajah se. Uski pishton background thi, bande the aage piche. And dad, I heard, was out there rescuing books. ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी डैड ने बचाई, स्टूडियोज़ दो फिल्म स्टूडियोज़ उससे जलने से बचाए, दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी बचाई जलने से, और ये करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो उनके घर गए हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम डेड बॉडीज देखी हैं सड़क इन माय लाइफ. आई हैव नेवर फॉरगॉटन दैट. वो रीप्ले करती है चीज़ों ट्विस्टेड किस्म की इस तरह का. एंड देन आई रिमेंबर के हमारे दो घर छोड़ के आगे जो बड़ा बड़ा घर था वो बहुत पुराने अपेरेंटली फ्रेंड्स थे कश्मीर से, दादे के ज़माने के सारों के, दे वर लाइक ऑलमोस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली. वो हिंदू फैमिली थी, उसका नाम था वीर बहान बंदे का. वो काफ़ी अमीर लोग थे, एंड दे वर वेरी नाइस पीपल, वेरी वेरी नाइस पीपल. मैडम के साथ मुलाकात हुई थी एक दो दफ़ा, बट ऐसी सरसरी थी. मैं कई दफ़ा बचपन में डैड के साथ बहुत दफ़ा गया हुआ था रिकॉर्डिंग्स के ऊपर. तो वो उनकी शादी मुझे याद है, उनकी बेटी की. व्हाट एन अमेजिंग वेडिंग इट वाज, दैट इज नेवर लेफ्ट माय माइंड. इट वाज सो कलरफुल, इट वाज लाइक अ मूवी, यू नो. द ब्राइड ग्रूम केम ऑन अ घोड़ा, एंड Women were dressed in such amazing clothes, और पता नहीं क्या का कुछ हो रहा था. वो वीर बहान को उन्होंने मार दी, बिकॉज कपल ऑफ गोरखे जो थे वो, क्योंकि उन्होंने कोई जीप के अंदर वो आए, उन्होंने दो फार्मर्स के लड़के, एक फार्मर का लड़का मार दिया, एंड माई मदर ओपन्ड फायर. That I remember distinctly. And I can't imagine her. I mean, she was so fit physically. I mean, like, it was just amazing. और ये वो लड़के की रिटेलिएशन में उन्होंने वीर बहान को मार दी.
और आई रिमेंबर दैट के फैमिली के अंदर बहुत हलचल पड़ गई, लोग मेरी पुफियाँ रोना शुरू हो गई, वो दौड़े दौड़े वीरबान के घर गए एंड वो यू नो अम्मी रो रही हैं और दादी मेरी रो रही है और लाइक यू नो आई डिडंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड। फिर मुझे याद है कि जी वीरबान को मारती, उसकी औरतों को कुछ नहीं कहा इन रिटेलिएशन, उसको मारती एंड ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, अमीर काफ़ी था बट लाइक यू नो लाहौर में आपको पता है कि वो सादत हसन मंटो ने क्या लिखा, देखो वो हिंदुओं के खिलाफ मुजाहरा किया तो बाद में गंगाराम हॉस्पिटल ले गए जख्मी, यू नो तो वो चीज़ें मेरे याद हैं फॉर्चुनेटली एंड आई हैव गॉट अ काइंड ऑफ अ फोटोग्राफिक सॉर्ट ऑफ अ मेमोरी इन दैट सेंस। आप क्यों गए थे इंग्लैंड? मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न। Did you go to learn or did you follow somebody? नहीं वो तो एक्सीडेंट साथ चला ना, वो मेरा मतलब you fell in love. या sort of ये वो कैसे हुआ था? हैं? वो कैसे हुआ था? वो मैं प्लेज करता था ना, थिएटर करते करते फिल्म करते करते एकदम से ये बीच में कैसे हो गया? प्लेज करता था इधर आर्ट्स काउंसिल के अंदर, आई यूज्ड टू डायरेक्ट प्लेज आई एटसेट्रा एंड बचपन में ही तो लाइक वो एक अंग्रेज़ी प्ले था उसके अंदर कोई अंग्रेज अमेरिकन भी कास्ट किए हुए थे, वो यहाँ पे बहुत होते थे, 150 फैमिली यहाँ पे रहती थी फॉरेन इस शहर के अंदर, इतनी सी दीवार होती थी, चौकीदार एक छड़ी लेके चरस का सिगरेट लगा के बैठा होता था, कोई क्लाश्निकोव गनशान कोई नहीं होती थी, और इधर लोग उनकी औरतें शाम बाइकों शेकों पर फिरती थी सारा कुछ, यू नो इट्स जस्ट वेरी वेरी प्लेजेंट एंड तो वो एक आई मीन विक्टोरिया के साथ चल गया सिचुएशन एंड ई वॉज मोर देन क्या उसको कहते हैं कि लव तो बहुत बड़ी चीज़ है बट इट वॉज आई मीन विक्टोरिया वॉज अ वेरी वेरी डिसेंट वुमन एंड गर्ल, वेरी वेल ब्रॉट अप, गुड फैमिली, उसके माँ बाप यहाँ पे थे गवर्नमेंट एडवाइजर, फादर वॉज एन एक्स मिलिट्री ब्रिटिश आर्मी and he was an advisor to Ayub Khan's government here and to wo mulaqat hui aur wo play ke andar wo silsila I mean like just got married and kya reaction tha hain abba ji ko aur ammi ka kya reaction tha? Ammi was very silent because she did not expect this. You were just 18. Yeah and abba ji was easy, मैंने कहा अच्छा है भाई ठीक है नो प्रॉब्लम। उसके माँ बाप ने शोर मचाया एक दो दफ़ा, अब्बा जी ने जाके अंग्रेज़ी में उनका हासिल कर दिया, अब वो चुप करके बैठ गए, उन्होंने वो कुछ उन्होंने बोला कि ही हैज़ नो वर्क एंड व्हाट इज़ ही गोइंग टू कुड नॉट हैपन दिस दैट अदर यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा एंड डैड गॉट रियली पिस्ड ऑफ, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट दे सेड। Colonel Tobin was my father-in-law's name and dad got pissed off bade tareeke se, you know he just went and ek 5 minute ki speech kar di angrezi zuban mein, wo bilkul chup ho gaye baith gaye to kisa khatam ho gaya ab wo phir saath maine ek usko kya usko kehte hain I made a movie फॉर नक्शब चारचवी, तो नक्शब साहब का बड़ा चर्चा था उस जमाने कि वो बम्बई से आए हैं और बहुत बड़े फिल्म साज हैं एंड ही हैड टू और थ्री वेरी सक्सेसफुल फिल्म्स इन बॉम्बे बिहाइंड हिम, महल थी एक जिसकी लिरिक्स भी उसने लिखी थी और एक और थी कोई फिल्म एट्सेट्रा नूतन के साथ एंड जिंदगी या तूफान एंड वो बड़ी सक्सेसफुल थी, तो नक्शब साहब ने शौकत हुसैन रिजवी का स्टूडियो रिवाइव किया अपनी प्रोडक्शन ला के एंड इन्वेस्टमेंट करके। नक्शब को बहुत शौक था रेसिंग का, ही ओन्ड रेसिंग हॉर्सेस, वे घोड़े रखे हुए थे, बट रिमार्केबल चीज़ ये थी नक्शब के साथ कि मुझे उस ज़माने में ये अर्ली 60s में ही वॉज पेइंग 2,000 rupees अ मंथ, 2,000 बड़ी रकम होती थी उस ज़माने, मेरा तो कभी काम किया ही नहीं था,
तो एक फ्रेंच फिल्म में मैंने काम किया था, वो फ्रेंच फिल्म में मैं वो आर्ट्स काउंसिल में वो प्ले कर रहा था, तो जो क्रू था उनका वो आया हुआ था, उसमें अदा थी, हैं अदा थी आपके साथ उस फ्रेंच फिल्म में, या है ना, या हाँ। आई एक्चुअली दे नीडेड अ लोकल असिस्टेंट, तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे दे लाइक मी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डायरेक्टिंग अ प्ले देयर, दे थॉट कि ठीक है वो मुझे उन्होंने हायर कर। उस वक्त आप कौन सा थिएटर का प्ले कर रहे थे? मैं कर रहा था प्ले डू यू रिमेंबर एंड दे सॉ द प्ले ऑल्सो, दे वर वेरी इंप्रेस्ड एंड दे हायर्ड एज एन असिस्टेंट। वो तीन चार दिन के बाद वो काफ़ी सारी फ्रेंड्स बोलते रहे आपस के अंदर, फिर करते कराते उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया, उन्होंने मुझे कास्ट भी कर दिया एंड आज तक मैंने वो फिल्म देखी। The producer was it Anarkali? Yeah, huh? It was called Mave Monami Amavel, my friend. The producer writer tha, he was became one of the most famous cinema people in France because he created a new style of cinema with a film called A Man and a Woman. Oh, you know, really? You worked with that? Yeah. Producer director. Yeah. Serge Bourguignon. Okay. शौकत हुसैन रिजवी साहब ने मुझसे मुझे फिल्म में कास्ट की, अपनी फिल्म। कौन सी फिल्म थी वो? पता नहीं क्या थी, लाइक वो शरीफ नैयर, वेरी गुड डायरेक्टर, ही वाज डायरेक्टिंग इट, और ये दीबा उसके अंदर थी, असलम परवेज था, असलम परवेज वाज ओल्डर देन मी बट वो बहुत ही अच्छा बंदा था, यू नो फ्रॉम अ गुड फैमिली एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और सो आई एंजॉय डूइंग दैट। वो चलते 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 वो फिल्म बंद हो गई, शौकत साहब की बंद इस तरह से हो गई बिकॉज ही हैड टू पे पीपल। डिड यू एवर मीट नूरजहां? मैडम नूरजहां, मैडम के साथ मुलाकात, योर कजन वाज स्टारिंग ऑपोजिट हर। यस मैडम के साथ मुलाकात हुई थी एक दो दफ़ा, बट ऐसी सरसरी थी। मैं कई दफ़ा बचपन में डैड के साथ बहुत दफ़ा गया हुआ था रिकॉर्डिंग्स के ऊपर, एंड तीन चार म्यूजिशन अब्बा जी के बहुत दोस्त थे, वो रफ़ीक गजनवी थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, यू नो ख्वाजा खुर्शीद अनवर स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन मैथमेटिक्स इन द होल ऑफ इंडिया इन मास्टर्स, एंड उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, और रशीद अतरे। अब रशीद अतरे वॉज फ्राम अ डिफरेंट क्लास, बट अतरे वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड वेरी परफेक्टली, हमेशा सूट टाई जैकेट शैकेट, एंड वो जरगुल में मैंने अतरे साहब का गाना इस्तेमाल किया, जुबैदा खानम का गाया हुआ, जस्ट टू पे होमेज टू हिम, बिकॉज मुझे याद है बचपन में मैं जाके इनकी रिकॉर्डिंग देखता था, डैड चले जाते थे वहाँ पर, उनको बुलाते थे, एंड यू नो लाइक वो बचपन से समीना मेरे दिमाग में ऐसी वो फिट हुई हुई ना चीज़ें, बिकॉज आई फिजिकली वॉच्ड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली सी दैट। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी वॉज फ़र्क, तो अब इनका प्रसिजन इतना था कि आप अतरे की कॉम्पोजिशन सुने, उसके अंदर आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी के साथ सुनाई दे, वरना इट इज़ नॉट देयर। तो ये जब बातें करते थे बैठ के, मैं बैठा होता था साथ, वो कहते थे पीर साहब मैं तो रखता ही नहीं चीज़ा बिच जड़ियाँ सुनाई ना दें, तो यू नो दैट्स वाई दे वर फ्रेंड्स बिकॉज दे वुड जस्ट एक्सचेंज एंड टॉक एंड ये इस किस्म की। एंड ये तीन म्यूजिशियंस इधर बैठे हुए हैं एक माइक के नीचे, दो उधर हैं, सिंगर भी बूथ में नहीं, मैडम वो उधर गा रही उस सेपरेट माइक की, और सब कुछ लाइव होता, सब कुछ लाइव हो रहा है, और पीछे वो और रेडियो के हाँ। जो एक्सपर्ट्स थे साउंड के, वो मिक्सर थे, वो वहीं पे मिक्स कर रहे सारा कुछ। एंड आप आपकी रिकॉर्डिंग अब आप देखें, उन जैसा म्यूजिक कोई नहीं बना सकता। अभी आप मुझे कोई यंग बंदा दिखा दें तो उनको सेंस ही नहीं, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल दिस गैजेटरी एंड डा। आप रशीद अतरे की कंपोजिशन सुने, रफ़ीक गजनवी की सुने, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की सुने, आपको मेलोडी नज़र आएगी, सुनाई देगी आपको, एक एक साज समझ में आएगा, वो उसकी यू नो बात है कुछ, तो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो लाइक
ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है मेरी लाइफ के अंदर। ये सारा कुछ ये जो मैं इसको कहूंगी कि ये खजाना था आपके पास। हाँ, दैट एज टू बी एबल टू एक्चुअली फ्रॉम दैट टाइम एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। तो आई नेवर एवर थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स फ्रैंकली। तो ये खजाना लेकर आप इंग्लैंड चले गए? या बिकॉज डैड ने मुझे पूछा था, उसने कहा था कि फिल्म स्कूल में तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी चीज़, बिकॉज यू डोंट लर्न दिस बिजनेस इन अ फिल्म स्कूल, एंड इफ यू लकी इनफ टू गेट इन साइड अ स्टूडियो देन यू विल लर्न समथिंग अबाउट इट। अब इंग्लैंड चला तो मैं गया हूँ, बट लाइक इनकी वो फिल्म ख़त्म नहीं हुई, सो कुछ भी वो अलग चक्कर चला, बट लाइक आई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट यूनियंस टू गेट एंड माई फर्स्ट ब्रेक मेन स्ट्रीम वर्क। या माई फर्स्ट ब्रेक वॉज गिवन टू मी बाई ज़िया मोहिउद्दीन। अच्छा, लाहौर में ही कास्ट मी एज एंटनी इन जूलियस सीजर। तो उस ज़माने में ज़िया वॉज द मूवर शेकर फॉर अ फ्यू ईयर्स इन द थिएटर कराची में, इधर उधर सारा कुछ। एंड ही मच टू द डिसकंटेंट ऑफ द अदर पीपल हु वर ऑल ओल्डर देन मी, जिनके काफ़ी नाम है पाकिस्तान में, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो पिट पेस्ट ऑफ के छोकरा कार का इसको मेजर पार्ट दे दिया, बट ज़िया बिलीव्ड इन टोटली। एंड वो जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने वो प्रोडक्शन देखी थी, दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू द फिल्म एंड कॉन्सिक्वेंटली इनटू नक्शब्स फिल्म बिकॉज ऑफ ज़िया बेसिक। एंड इंग्लैंड में ज़िया अगेन हेल्प मी विद एन एजेंट, बिकॉज एजेंट के बगैर आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो काफ़ी देर मैं चक्कर लगाता रहा हूँ, यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलती थी, करते कराते मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा यूनियन जो है वो एक्स्ट्रा स्टूडियो में होते हैं, तो एक्स्ट्रा यूनियन की मैंने कहा शायद मुझे मेंबरशिप मिल जाए आसानी से, और वो क्या उसको कहते हैं कि मैंने वो मेरे अपार्टमेंट के करीब थी जगह, तो आई जस्ट फिल्ड इन एन एप्लीकेशन एंड कपल ऑफ टाइम्स आई ड्रॉप देयर टू फाइंड आउट क्या उसका रिजल्ट क्या निकला। तीसरी दफ़ा मैं गया हूँ तो वो बंदा मुझसे कहता है कि द प्रेजिडेंट वॉन्ट्स टू सी यू। मैं कहा ओके, वो बाहर आ गया। आर यू रफी सन? आई सेड यस सर। अब वो अमेरिकन जो हैं वो जरा हाग शाग कर लेते हैं, ब्रिट्स आर वेरी काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट। उसने आगे मुझे जफ्फी जम लगाई है ऐसे करके, तो कह रहा है हाउ अमेजिंग, व्हाट, वेयर इज रफी? अब मैं देख रहा हूँ उसका नाम है एंडरसन, जे ग्रांट एंडरसन। डैड की पृथ्वीराज कपूर की और जे ग्रांट एंडरसन की जॉइंट कंपनी थी, तो ये सारे इंडिया में ट्रैवल करते थे थिएटर के साथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तब से होंगी, मुझे मेंबरशिप मिल गई सर। मैं पहली दफ़ा स्टूडियो में गया हूँ तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे, रोम एयरपोर्ट का सेट लगा हुआ था। अब स्टूडियोज जो साउंड स्टेज है, जिसको साउंड स्टेज कहते हैं, हमारे यहाँ फ्लोर कहते हैं, दैट इज़ ह्यूज, इट्स ह्यूज स्टूडियोज के अंदर। उसमें आई हैड बीन टू रोम एयरपोर्ट, इट वॉज रोम एयरपोर्ट, दैट बिल्ट रोम एयरपोर्ट इन साइड इज दैट साउंड स्टेज। 400 एक्स्ट्राज ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये हो रहा है, कोई अरब गुजर गया, कोई ब्लैक आई गुजर गया, कोई इधर फलाना ढमाका, पुराने कैमरे होते थे BNC मिचल्स बड़े, वो सारे के सारे बिग एंड या एंड ये डेविड नेवन एंड क्या उसका नाम है कर्क डगलस वर इन द मूवी। एंड वो 3-4 दिन के बाद में ये सिस्टम समझ में आया, तो जो थर्ड असिस्टेंट था एक चाचुए की तरह से था, उसके बाल इस तरह रेड बाल इस तरह खड़े होते थे, वी ऑलवेज लुक सरप्राइज, वो आजकल प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा। तो वो मुझे पता चल गया कि हम 4 pounds 10 shillings यू फॉर अ डे। मेरे अपार्टमेंट का जो अप मार्केट अपार्टमेंट था, रेंट 6 pounds 6 shillings था एक हफ्ते, तो 4 pounds 10 shillings एक डे का था एक्स्ट्रा वर्क के उस ज़माने। अब वो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं फिल्म एक्स्ट्रास, दे प्रोफेशनल एक्स्ट्रास, बट इवन इफ इट्स वन वर्ड, yes sir, that has to be spoken by an actor, then that has to be the actor's equity union, extra can't say that. acha ab mujhe system ye samajh mein aa gaya ki ye jo sare
बड़े एक्स्ट्राज हैं, ये असिस्टेंट्स को ग्रीस करते रहते हैं और ये अपना की जॉब्स लेते हैं। अब वो क्या होता है कि जी अगर अब ये एक्टर्स बैठे हुए, अब एक्टर्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जितने एक्स्ट्राज होंगे दे विल गेट अ पाउंड एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ 4 pounds टेंशन। इफ दे मेड टू वेयर अ डिफरेंट जैकेट दे विल गेट अ पाउंड एक्स्ट्रा। इफ दे क्रॉस विद अ सूटकेस अक्रॉस टू मेक अ फोन कॉल दे विल गेट अ पाउंड एक्स्ट्रा। तो उनके 7-8 pounds उस जमाने में बड़ी रकम होती बन जाती। मैंने कहा वाह दिस इज अमेजिंग। उसको चाचुए को मैंने बुलाया बार के अंदर, मैंने कहा मे आई बाय यू अ ड्रिंक। अब उसने पहले इस तरह करके देखा मुझे नीचे से ऊपर, उसने कहा कि ओके। आई सेड आई जस्ट हैव अ प्रपोजल फॉर यू रियली एंड व्हाट इज इट। आई सेड आई विल पे यू 1 pound एवरी डे आउट ऑफ माय वर्क इफ यू डोंट गिव मी एनी वर्क। वो चुप हो इस तरह का, क्योंकि वो चिकेनरी ब्रिटिश कल्चर में तो है नहीं, वो तो मेरी समझ में हो गई थी बिकॉज ऑफ विक्टोरिया फैमिली, बिकॉज आई ग्रू अप इन दैट ठेट ब्रिटिश क्लास देर जाते साथ ही। तो वो कहने का बड़ी मीन आई मीन आई डोंट गिव यू एनी वर्क एंड यू विल पे मी एंड फॉर नॉट वर्किंग बट हाउ विल दिस वर्क। दिस इज वेरी सिंपल। What I mean is, you don't, all I want to do is sit and watch a movie being made. So there are a lot of extras here, nobody is going to miss me. So you just ignore that I'm sitting there. And I'll, in return, give you a pound every day. Because I, but don't ever speak about this to anybody else. I'm like, no way. I mean, you know, why should I? वो जनाब काम मेरा शुरू। अब वो सेट चल रहा है, मैं उस पीछे बैठा मूवी देख रहा हूँ, बंद कैसे रही, लाइट कैसे हो रही है, या लाइट कैसे हो रही है, कैमरा रिहर्सल कैसे हो रही है। ये जो पुराने हॉलीवुड के डायरेक्टर्स थे बड़े शार्प थे। मैं वेल गेस्ट दिस बिग बेली एंड बिग सिगार, यू नो ही वाज द डायरेक्टर प्रोड्यूसर। वो पीछे देखे वो पीछे कैमरे के पीछे मैं बैठा हूँ वो किसी फटी स्कूल स्टूल के ऊपर। तीसरे दिन मैं आया, कहते व्हाट आर यू डूइंग हियर। आई सेड आई एम वर्किंग ऑन योर फिल्म। ही सेड रियली, सो व्हाट डू यू डू। नॉट रियली, बिकॉज जो चीज़ हो जाती है इसमें ना वो हो जाती है। यू रिग्रेट का ये है कि यू कांट अनडू इट। द ओनली थिंग आई ट्राई टू डू इज लर्न, कि मैं अपनी गलती से सीख जाऊं। और माय फिल्म आई सेड आई एम एन एक्स्ट्रा, आई नेवर सी यू डू एनी एक्स्ट्रा वर्क। मैंने कहा अभी मैं निकाल देगा क्या फकिंग। तो मैंने कहा कि यू नो आई वांट टू मेक माय मूवीज, दैट्स व्हाई आई वांट टू सेंस दैट। सो आप लाहौर से 10 साल दूर रहे थे या 12 साल? 11 ऑलमोस्ट, या 11 के करीब। And और जब वापस आए तो पाकिस्तान तो बदल चुका था। नो इट वॉज लाइक समीना वॉज अ शॉकर। एक तो प्लेजेंट सरप्राइज ये था कि अपने भाइयों को देख के, बिकॉज दे वर वेरी हैंडसम एंड दे ग्रोन अप एंड एटसेट्रा, एंड दैट वॉज वेरी प्लेजेंट। दूसरा डैड वॉज गॉन एंड बट द प्लेस व्हेन आई लुक्ड एट इट आई वॉज शॉक्ड। आई कुडंट बिलीव कि ये हुआ क्या इधर, बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया। और अब आपको महसूस होता है कि वो बहुत अच्छा वक्त था। बट इट वाज यू नो केओटिक एंड इट वाज वेरी बिजार एंड दैट्स व्हेन यू मेड मेला। दैट्स व्हेन आई मेड मेला। या डिड यू थिंक कि मेले से ये इम्पैक्ट होगा कि इतने लोग नाराज हो जाएंगे? थॉट के दे विल नॉट लाइक इट मे बी, बट आई हैड नो आइडिया के इधर ब्लड ऑफ हुसैन और इसके ऊपर ये इतना करेंगे। बिकॉज जो कुछ भी एक्टिविटी हुई थी उन दोनों फिल्मों के ऊपर वो भुट्टो ने शुरू करवाई थी, नॉट द मिलिट्री, नॉट ज़ियाउल हक। इट वॉज जस्ट दैट मिस्टर भुट्टो वॉज ऑन हिज वे आउट एंड व्हेन ज़ियाउल हक टुक ओवर वो देवर
frankly, I see them as two sides of the same coin, because Mr. Bhutto had a dictatorial regime. He was a total dictator, frankly, irrespective of what people say. And dusra ye hai ki it was a police state. It was straight police state. The police states ki ek atmos hota hai. And I had worked in from England into Eastern Bloc countries, and when we used to go there, तो वो हमको फ़र्क नज़र आता था कि वो बार्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट इट वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एटमोसफियर इवन इन स्पेन, बिकॉज फ्रेंको वॉज देयर, सो आई वर्क्ड अ कपल ऑफ ईयर्स, एंड वो एक डिक्टेटरशिप का एक माहौल फ़र्क हो गया. फिर पाकिस्तान में बाय द टाइम आई कम टू कराची एंड देन उधर ठहर के फिर लाहौर से एयरपोर्ट से बाहर आके आई जस्ट हैड थिंक आई मीन अ पुलिस स्टेट. एंड आफ्टर थोड़ी देर के बाद इट वॉज वेरी क्लियर दैट दिस वॉज अ पुलिस स्टेट. अब लोग और कहानी सुनाते हैं यंग जनरेशन को, दैट्स फाइन, दैट्स देयर बिजनेस, बट दैट वाज नॉट सो. एंड जितने हमारे वाकिफ शाकिफ थे वो सारे मिस्टर भुट्टो के साथ थे, तो ऑब्वियसली जो कुछ हुआ दैट्स वेरी अनप्लेजेंट, बट द थिंग इज़ के वो बड़ा एक माहौल था. तो ये दिस एक्टिविटी अगेंस्ट दिस वॉज स्टार्टेड बाई मिस्टर भुट्टो. वी वर हॉल्ड इन टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री सेपरेटली, जमील सेपरेटली, आई वॉज ब्रॉट अप सेपरेटली. उस ज़माने में जमील की मेरी अननेसेसरी टेंशन सी हो गई थी, विच आई रिग्रेट वेरी मच, बट एनी वे दैट असाइड. एंड वो कि जी आप अपने पासपोर्ट्स वगैरह छोड़ेंगे, है ये किस क्या फिल्म है कि उसके बारे में, वो साथ साथ ही आर्मी का टेक ओवर. सो ऑफकोर्स दे बिकेम ट्वाइस एज व्हाट यू कॉल Nervous and not nervous and authoritarian ke band ho jana chahiye, ye hona chahiye, because they had a whole different agenda, but it was started by Mr. Bhutto's government. Do you ever regret anything? Not really, because jo cheez ho jati hai isme na wo ho jati hai. You regret ka ye hai ke you can't undo it. The only thing I try to do is learn, कि मैं अपनी गलती से सीख जाऊं ताकि मैं दोबारा लाइफ में वो मिस्टेक ना करूं, एंड दैट इज़ देन माय सक्सेस, अदरवाइज नॉट. बट आई डोंट रिग्रेट, अदरवाइज आई वुड जस्ट माय लाइफ वुड बी स्पेंट रिग्रेटिंग सो मेनी थिंग्स. एंड सक्सेस क्या है आपके लिए? हैं सक्सेस, आई हैव नो आइडिया. मैं सोचता हूँ कि बिफोर एक तो यू नो यू कांट एक्चुअली टेल कि कब किसी का टाइम ओवर हो जाता. You know, it has got nothing to do with age. When I was shot, that was a very kind of a bizarre incident, because this guy shot me from about 2.5 feet away, and I was very close. ये मैं ऐसा गाड़ी का व्हील पकड़े बैठा हुआ था. I was hit here. He shot me here. बीच में मेरी बाँह एक बुलेट रिकॉशे हुई. यहाँ पे मेरे पूरा स्क्रैच पड़ा हुआ था, बर्न्ड स्क्रैच, उधर से बाहर निकल गया. हेयर्स ब्रेड्थ के अंदर मैं बचा हूँ. बुलेट वुड हैव गॉन स्ट्रेट इन माय हार्ट एंड आई वुड डाइड ऑन द स्पॉट. एंड दैट इज लाइक समबडी पुट अ हैंड देयर. इट वाज अ टोटल मिरेकल. व्हाटएवर समबडी एल्स सेज, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज गिवन अनदर लाइफ बेसिकली. तो वो जब मैं ड्राइव करके आगे कि मैं निकल गया हूँ टक शक करके, वो तीन फाइल मेरे ऊपर से गुजर गए, बट वो ब्लड जो निकल रहा था, इधर चल रहा था, मुझे उस वक्त महसूस नहीं होता, जब यू कैट दर्द नहीं होती, आई थॉट आई वाज हिट इन द स्टमक बिकॉज आई वाज जस्ट ब्लड हियर. एंड सो आई थॉट आई वुड नॉट ऑब्वियसली लॉस्ट आउट मच बिकॉज उसमें फेंट सेंट होने का पॉइंट होएगा. तो मैंने उधर गैस स्टेशन पे निकल के तो भाइयों को फ़ोन किया, पीछे पीरू से मैं निकल रहा था. आई डोंट नो हाउ विद इन लाइक अ फ्यू मिनट्स दे अराइव्ड देयर. जैसे सो आई कॉल्ड देम, सो आई जस्ट लुक्ड एट द थिंग, फिर मैं रिलैक्स हुआ, मेरी बांह में गड़ी लगी, मेरे पास में पेट में गड़ी. एंड आप ऊपर से मिरेकल देखें, बिकॉज माई आर्म्स आर नॉट वेरी फैट, बट लाइक सो यू नो नो नर्व, no ligament, no bone, no muscle was torn, and my arm was split open like this. So it's a complete miracle. And so like the thing is this, that aside,
So you know, you feel that you know you get a new chapter of life. You get a new like new life. क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी is a very valuable thing. I mean, it is the greatest gift a human being can have. Actually, I wish I realized this long time ago. But the thing is, this ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं. ये एक बहुत बड़ा gift nature ने, कुदरत ने, खुदा की ज़ात ने इंसान को दिया. Gift, life. And because there is so much, and there is so much, and then there is the sense, your brain, your eyes, your hearing, your thing, and of course there are people who are born with defects and stuff like that. But the thing is this, कि एक compassion जो है humanity के अंदर, एक humility जो है, that is, if you understand life, then that is an automatic thing that it comes, that you, it humbles you. The sheer magnitude of it, the sheer power of it, makes you a humble person, so that you can be of service to someone else in time of need and things like that. You have compassion in your heart. So, काफी सारी life गुजर गई not knowing these things. But my when I started to do martial arts very seriously, and that kind of ingrained that in me, so many years of that. Training with the Japanese and things like that. So, सारी की सारी अब उसकी muscle building की training नहीं है कि आप weights उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. It is basically your mind. The strength is in your mind. Like you turn the switch and the bulb comes on, light comes on. So you can put the power in your punch through your mind. अब Bruce Lee इतनी height का बना. And there was a famous incident, जो कि a friend of mine used to train with him, और फिर उसने किताब लिखी, छोटी सी किताब लिखी इतनी सी. तो उसके साथ एक अमेरिकन, उसका लॉस एंजलिस में स्कूल था, मैं भी वहाँ पर गया. वो 6'3", Bruce Lee was short, slim. And he said, you can't do this. He said, just stand there. So what he'd do is, he just stretched his arm and put his two fingers on his shoulder like this, and he folded. And the man fell because he could put so much power in this movement. Yeah. So it's all mental, you know, concentration. Spirituality में भी यही चीज़ें. आप एक बंदे ने मुझे बताया कि अगर आपको 99 names के मतलब पता है तो then if you know the meaning of the 99 names, then I will call you an alim because it has everything. That is this what will qualify you as an alim. So aap padh ke zara dekhe 99 names ko, unke aage se matlab, aage se matlab, aage se matlab, aage se matlab, wo pata nahi kya kuch hai. Uske andar puri kainat maujood hai, puri zindagi, nizam, paidawar, plantation, birds. वो दरख्त है हमारा लगा हुआ सफ़ेदे का घर में, इट्स अ पेन इन द नेक बिकॉज उसकी वो इन्होंने लगा दिया जबीन ने बच्चियों के साथ. अब वो बड़ा होके इट्स द टॉलेस्ट ट्री इन द नेबरहुड और इट्स डेंजरस ऑल्सो. मेरा जो नेबर है अक्रॉस द रोड, वो कहता है सलमान साहब ये दरख्त टह गया मेरा कार टूटेगा. उससे क्यों नहीं ट्रिम करा रही? मैं कह यार चिड़िया के घोंसले में. कहते चिड़िया चिड़िया. अब यू नो लाइक इट्स एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल. अब मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ इन बर्ड्स का होएगा क्या, बिकॉज आई एम अप ईदर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई गो टू स्लीप और आई एम अप लेट एट नाइट एंड देयर बर्ड्स दैट आई हेयर. एंड वो कुछ बर्ड्स आती हैं 2-3 महीने के बाद, 2 दिन के लिए फिर वो चली जाती हैं बातें सतें कर. एंड बट यू नो कबों के घोंसले हैं, चिड़ियों के हैं, दिस इज लाइफ. हो अभी मैं अभी इधर जाता हूँ, इधर चकवार वगैरह में सारा कुछ. एंड आई स्टे एट अ डेरा आउटसाइड. अब वो जो उधर वाकफियत है जो ज़मीनों वाले हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज हमारी फैमिली का किसी न किसी के साथ एसोसिएशन होती है, लोग इज्जत करते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है. बट लाइक वो कहते हैं सलमान साहब वो आप क्या कर रहे हैं? मैं कह यार मैं आया शहर से इसलिए हूँ कि मैं इधर बाहर डेरे पर इनके साथ ये यहीं पर बारिश हूँ. Otherwise, why do I need to come from the city to your place? So, सारा के सारा एटमोसफियर एक फर्क.
अच्छा फार्मर्स, अभी मैं जब मैंने वो शूटिंग जरगोल मेरी बुक ऑफ फोटोग्राफ्स में है वो फोटोग्राफ्स है फोटोग्राफर फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, चकवाल का एरिया इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक एरिया पाकिस्तान एंड और इंडस वैली सिविलाइजेशन और इस रीजन का बहुत तारीख है उस एरिए, और वो फार्मर्स ने दो फसलें गोभी की निकाली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉज जस्ट सिटिंग विद देम. स्टीव मैस्ली आपको याद होगा मेरा फ्रेंड, ही वॉज विद एंड वो उन्होंने खाना छाना बनाया हमारे लिए. तो स्टार्ट देर मैं कह तुम दो फसलें, उन्होंने कहा जी साढ़ा काम ही जो हो जाए ना सोची रहेंगे. अब चार जमातें नहीं पड़े, वो वापसी में स्टीव मैस्ली में ये कह रहा था कि जो बंदे हार्वर्ड से ये ग्रेजुएट करके आते हैं दीज गाइज कैन टीच दम वॉट फार्मिंग इज ऑल अबाउट, बिकॉज वो सॉयल पे जवान हुए होते हैं, उनको उनकी सेंस जो है वो ये जो अर्बनाइज सोसाइटी है उसकी सेंसेस फ़र्क हो जाती है. जो रूरल सोसाइटी है इसीलिए लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं बाहर की स्पेस. आपने कभी सोचा है, है? जो इतनी नॉलेज है इतना हाँ? बड़ा मिरेकल है लाइफ, इतनी फैकल्टीज हैं, आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, एंड सडनली इट्स ओवर डेथ. ये निजाम जो व्हाट इज डेथ, ये कर दिया ना, क्या है मौत, क्या है ये, आई मीन दिस इज व्हाट दे हैव अचीव्ड. ये इन्होंने ये अब मौलवी हजरात फिर बार आए हुए, अब कोई इनसे पूछे कि भाई जान ये ऑलरेडी लोग मुसलमान हैं इस मुल्क में तो आप क्या करने की कोशिश कर, ये मुझे ये हमको मैं मुझे कोई सियासत के अंदर कोई नहीं, वो बचपन से देख रहे हैं ये. जब मुझे याद है ये जब से पहले तो ये बड़ी इजी जगह थी सारी की, तो सब भी लोग मुसलमान थे, बड़े इजी मुसलमान थे, कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अभी तो आई मीन नाउ यू सी द यंग पीपल एंड दैट्स रियली डिस्ट्रेसिंग, इस जो यंग लोगों के जो ख्यालात बन गए हुए हैं औरतों के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से, आई मीन दैट इज़ डेंजरस एंड इट इज़ सिक. क्योंकि जिस मुल्क की अभी मेजॉरिटी जो है वर्क फोर्स इस मुल्क में वो औरतें, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज़ वो वेमेन, अब और ज्यादा हो गई तो अभी. No, what I was asking was, हाँ, कि when you know when I talk to you and life is a miracle, जी, और फिर आप इतने बड़े बड़े दिमाग हैं इस दुनिया में, हाँ, और उसमें पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स और आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, और क्या आर्किटेक्ट्स हैं, और I mean you look at their work and my god what brains they have, yeah, and suddenly death, मौत. देखे ना अभी क्या है? ये क्या चीज़ है? काफ़ी सारी अब काफ़ी मुद्दत से Have you understood death? Yeah, no, I don't, but like What is death? You know, like we are made of atoms. अच्छा. Human body is we made of atoms. तो एक known fact of life है कि atoms are never destroyed. अच्छा, अब लोगों ने बड़ी बड़ी रिसर्चेस की हुई और चल रही हैं, इट्स द बिगेस्ट. अभी आजकल के ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड सारी की सारा वो दुनिया चेंज हो रही है विद मेडिकल रिसर्च, स्टेम सेल्स एंड ये, वो आपकी पूरी बॉडी रिफर्बिश हो जाती है सारा कुछ. सो आई मीन इट इज़ इट्स एन अमेजिंग टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लानट, जितना नॉलेज इस वक्त अवेलेबल. अभी उसमें अमंग अदर थिंग अब डेथ के ऊपर ऑब्वियसली बड़ी मदद से चल रही है इस तरह की क्वेश्चन, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस एंड उसके अंदर काफ़ी सारी थियरीज हैं और उनको सो कॉल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी ना करती रही है. अब वो चेंज हो गया है स्लाइटली बिकॉज दे फील के जो एक तो कन्फर्म्ड ये चीज़ है कि जैसे ही आदमी डाई करता है यू डोंट डाई because the brain keeps functioning. So you can be pronounced clinically dead, but you're not dead in actual fact. But you are otherwise dead, your body is packed up, but you are alive in the sense that your brain is recording everything that has happened. Now, how long that process goes on for,
I don't know, but then atoms are not never destroyed. Then there's a strong medical theory. मैंने अपनी कुछ साइट्स पे भी शेयर किया हुआ है एक दो दफ़ा कि वो जो आपका सोल है वो सेपरेट हो जाता है. सोल इज समथिंग सेपरेट एंड उस पर लोग लगे हुए हैं एंड वो इतनी बड़ी आ गई यूनिवर्स है, सारी दुनिया जो ऊपर है, जो आगे इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग व्हाट इट इज. तो लाइफ इज आई हैव नो आइडिया, बट व्हाइल यू आर लिविंग alive in this life, if you recognize it, I mean, it is a gift. Even in the hardest possible, the most difficult moments of your life, you know, I mean, you can have this your mother had strength, inner strength. Consequently, you had that. Therefore, Anam has that. After what she went through, the accident, very few people are able to actually ये अम्मी में थी बड़ी स्ट्रेंथ कौसर में. तो मेरा मतलब और बड़े लोगों में एक इंटरनल स्ट्रेंथ है की सर्वाइवल की एंड अंडरस्टैंडिंग की. बट द सैड पार्ट इज कि जो ऊपर से जो लेयर्स लगाई हुई हैं ये सोसाइटी के जो चौधरी बन जाते हैं दे सप्रेस ऑल ऑफ दैट. In developing people, and their imagination is suppressed. It's actually locked in after behind steel doors. उनको चाबियाँ लेके खोलने की ज़रूरत है, उनको आज़ाद करने की, ताकि वो अपना दिमाग काम में ला सके. आप देखें सारी ये environment उड़ा के रखती है पंजाब के अंदर. The people who have no respect for environment, it explains itself. I mean, like it's all turned into cement, and right across the land, जहाँ जहाँ पे इनकी reach पहुँची. I mean, like इधर northern Punjab के अंदर इन्होंने वो मनशे जैसे businessmen और bankers ने वो cement की factories बनवा दी. वो सारी heritage उसके अंदर cement बन गई. I mean, after the after partition, I mean, there were a lot of British people here after partition, and वो courtesy granny, I used to as a child, I used to see them coming in, going out, visiting. तो वो भी refugees बने थे. और जो उनकी तादाद बहुत कम थी तो उनका जिक्र नहीं होता. तो हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बोलते बट वो उसमें अंग्रेज भी मारे गए थे. अब उनका सारा दारोमदार हिंदुस्तान था. I mean, these were not just the empire builders. उसमें professors थे, teachers थे, engineers थे, scientists थे, इस तरह के लोग who loved India, who worked here, who you know, grew up here, their dad had served here and so on, so on, so on, so forth. तो उसके अंदर archaeologists वगैरह भी थे काफ़ी सारे. वो मोहनजोदारो वगैरह उन्होंने discover किया हुआ था. ये यहाँ के लोगों तो नहीं किया था. यहाँ पर archaeology department ज़रूर है, but they've been selling our heritage overseas. उसमें फॉर इंस्टेंस दे हैड इवन मेड एन एप्लीकेशन टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि आप हमें हायर कर लें, क्योंकि बीच में जंग आ गई थी. 400 साइट्स उन्होंने मार्क की हुई थी सिर्फ नॉर्थ पंजाब में, 400 साइट्स. वो कह रहे थे कि इसको सिर्फ हमको पहाड़ियों को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नीचे से सिविलाइजेशन बाहर आ जाए. वो मनशे जैसे लोगों ने अपनी सीमेंट फैक्ट्रियाँ बना के उसका सीमेंट बना दी हिल्स के अंदर लगा. आई मीन जिस मुल्क में ये ऐसी चीज़ हुए तो आई मीन वन कैन जस्ट से कि यार वो इनके ऊपर खुदा का अज़ाब ही नाजिल हुए, क्योंकि यू नो यू डिस्टर्बिंग इकोलॉजी, यू डिस्टर्बिंग व्हाट इज नेचर हैज़ गिवन यू सो मच वेल्थ, सो मच वेल्थ, सो मच वेल्थ, सो मच वेल्थ, सो मच, यू नो. थैंक यू. माय प्लेजर.